सबसे पहले दोस्तों आपने इस तरह की एक वीडियो शूट कर लेनी है, और इसकी शूटिंग के बाद आपने इस वीडियो को ओपन करना है अपने काइन मास्टर के अंदर। तो ये रहा हमारा काइन मास्टर, और यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। और जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपने इसका वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर देना है, और उसके बाद आपने इस वीडियो को जो है थोड़ा सा जूम कर लें। दोस्तों जूम करने के बाद जो ही मुक्का जो है वो दीवार को लगे तो आपने वहाँ पर उसको स्टॉप कर लेना है वीडियो को, और वहाँ पर जो है जो आपने ग्रीन स्क्रीन जो है वो आपने डाउनलोड करके रखी होगी उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। और ग्रीन स्क्रीन के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी काइन मास्टर का प्रो वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं और तमाम फीचर्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रीन स्क्रीन ले रही है, और इसको आपने कुछ इस तरह वर्टिकल जो है एडजस्ट कर लेना है, और क्रोमा की को एनेबल कर देना है, और जहाँ पर मुक्के का निशान होगा वहाँ पर आपने ड्रैग करके स्क्रीन को ले जाना है। इसके बाद जो आपको रेक्टेंगुलर टूल नज़र आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से जो है कैप्चर एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने एक और एप्लीकेशन ओपन करनी है जो कि है बैकग्राउंड के नेम से, और यहाँ से आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो इस कुछ इस तरह जो है ना आपने कट कर लेना है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको आपने इरेज कर देना है। दोस्तों इस पिक्चर को आपने सेव कर लेना है, और इसके बाद आपने काइन मास्टर ओपन करना है, और काइन मास्टर में लेयर के ऑप्शन में जाके आपने मीडिया को सिलेक्ट करना है। मीडिया में आपने ढूंढ लेना है कि आपने जो इरेज़ किया है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस पिक्चर को आपने जो पहले वाली नीचे पिक्चर है क्रैक है उसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट आपने कुछ इस तरह करना है कि दोनों क्रैक्स एक दूसरे के ऊपर जो है ना आ जाए। दोस्तों ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करके और काइन मास्टर को यूज़ करके आप इस तरह का जो है वो इफेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।